कोरोना वायरस के मुतालिक खबरों से खुद को दूर रखें, क्योंकि जितनी मालूमात आपको चाहिए थी वो आप जान चुके हैं। मरने वालों की तादाद के पीछे न पड़े, ये कोई फुटबॉल मैच नहीं है कि आपको हतमी नतीजा मालूम करना है। इस आदत से बचें। इंटरनेट पर ज्यादा जरूरत मालूमात तलाश न करें, क्योंकि इसका असर आपकी जहनी हालत पर पड़ेगा। खौफजदा और मायूस करने वाले मैसेजेस फॉरवर्ड न करें, क्योंकि सबके सोचने की ताकत आप जैसी नहीं हो सकती। बच्चों को बहलाने के लिए नए खेल तलाश करें, उनके साथ बातचीत करें और उनको कहानियां सुनाएं। घर में ऐसा डिसिप्लिन बनाए रखें कि सभी अफराद हाथों को धोते रहें। आपका मुस्बत मिजाज आपके इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने में मदद देगा, क्योंकि ये बात साबित शुदा है कि मनफी ख्यालात उसको कमजोर करते हैं और फिर वो वायरस का मुकाबला नहीं कर सकता। और इन सबसे ज्यादा अहम, अल्लाह पर तवक्कुल और इस बात का यकीन है कि ये वबा जल्द खत्म हो जाएगी और अल्लाह के हुक्म से हम सब महफूज रहेंगे। मुस्बत रहें, महफूज रहें।